अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर ब्लू और ब्लाइन को स्पेंगल सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर के साथ पेयर अप किया जाए तो किस तरह के चिक्स आते हैं अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेयर नंबर 1, मेल ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर, फीमेल ब्लू और ब्लाइन। इस पेयर से हमारे पास मेल चिक्स जो आते हैं विजुअली ब्लू स्प्लिट ओपालाइंस, और सेकंड टाइप के मेल्स आएंगे ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर स्प्लिट ओपालाइंस। तो हमने जाना इस पेयर से हमारे पास टू टाइप्स के मेल्स आ रहे हैं। फीमेल्स की बात की जाए तो इस पेयर से हमारे पास विजुअली ब्लू और ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर फीमेल्स चिक्स आते हैं अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। ये थी हमारी फर्स्ट पेयरिंग। अब चलते हैं सेकेंड पेयरिंग की तरफ। पेयर नंबर 2 है हमारे पास ब्लू ओपालाइन मेल, ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर फीमेल। इस पेयर से हमारे पास जो मेल चिक्स आएंगे वो होंगे विजुअली ब्लू स्प्लिट ओपालाइंस और ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर स्प्लिट ओपालाइंस। दो तरह के इस पेयर से भी हमारे पास चिक्स आते हैं। फीमेल्स जो आएंगी वो होंगी ब्लू ओपालाइंस और ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर ओपालाइंस। तो ये था पेयर नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपने इन दो पेयरिंग्स को अच्छे से सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दो पेयरिंग्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेल फीमेल चेंज करने से चिक्स में भी चेंजिंग आती है, ये आपने सीखा। तो चलें थर्ड पेयर की तरफ। तो पेयर नंबर 3 है ब्लू स्पेंगल डबल फैक्टर मेल, ब्लू ओपालाइन फीमेल के साथ पेयर अप करते हैं तो क्या पेयरिंग से रिजल्ट्स आते हैं। क्या ब्लू डबल फैक्टर स्पेंगल होता है? Really? नहीं, बल्कि व्हाइट डबल फैक्टर स्पेंगल होता है। ये बेसिकली ब्लू है बट ये व्हाइट कलर में हमें विजुअली जो व्हाइट नजर आता है तो इसको हम व्हाइट स्पेंगल कहते हैं। Okay. ये हम व्हाइट डबल फैक्टर स्पेंगल कहते हैं। तो मैं एक दफा फिर से बता दूं, व्हाइट स्पेंगल डबल फैक्टर की पेयरिंग ब्लू ओपालाइन फीमेल से करते हैं तो हमारे पास मेल चिक्स जितने भी आएंगे वो होंगे ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर स्प्लिट ओपालाइन, और जो फीमेल्स आएंगी ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर। तो आपने नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होना कि ब्लू स्पेंगल डबल फैक्टर भी कोई बर्ड है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी दिखाया जा सकता है जी। तो चले लास्ट पेयर की बात करते हैं। लास्ट पेयर भी हमारे पास यही दो बर्ड होंगे, यही दो सेम बर्ड्स हैं, बट मेल हमारे पास ब्लू ओपालाइन का होगा और फीमेल वाइट स्पेंगल डबल फैक्टर होगी। तो इस पेयर से हमारे पास जितने मेल चिक्स आएंगे वो सारे ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर और स्प्लिट ओपालाइन, और जो फीमेल चिक्स आएंगे वो ब्लू स्पेंगल सिंगल फैक्टर ओपालाइन होंगी। जी तो नाज़र जी, ये थी आज की वीडियो। कॉमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।